हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास ट्वेल्थ का दिगंध भाग टू हिंदी का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम आपको कराएंगे गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव, जितना तक हो सके आपको कराएंगे वीडियो बाय वीडियो छोटा, ताकि वीडियो बड़ा ना हो, एक से तीन अध्याय तक या दो अध्याय तक लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाएंगे। बस आपको इस हर वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है वो सारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहला चैप्टर जो है आपको क्या है, बातचीत। क्या है? बातचीत। बातचीत के बारे में देखेंगे कि बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। रे बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आपको एक एक पॉइंट करके हम बताएंगे समझा के। देखिए यहाँ पूछा है लेखक, लेखक का जीवनी पढ़ लेते, लेखक का परिचय पहले पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। तो बातचीत के जो लेखक हो गए वो कौन हो गया? बालकृष्ण भट्ट हो गए। अब बालकृष्ण भट्ट का लेखक का जो जन्म है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1884 हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। दूसरा इसका निवास स्थान जो रहते थे कहाँ था? इलाहाबाद प्रयाग उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद प्रयाग कहाँ था? उत्तर प्रदेश है। स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है, जिला का नाम है इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है। इनकी माता का नाम है पार्वती देवी, एक सुसंस्कृति महिला थी। मतलब वो घर के काम काजों का अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा था, घर को अच्छी तरह संभालती थी। ठीक है। दूसरा है उनका पिता जो थे बेनी प्रसाद भट्ट जी है। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। दूसरा कहा है इनका जो शिक्षा हुआ है, शुरू में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। नहीं, शुरू में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 में प्रयाग के एक मिशन स्कूल थे, उसमें एंट्रेंस की परीक्षा दी थी उन्होंने। पेशा उनका क्या था? इन्होंने कई विद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया, कई विद्यालयों में, जैसे प्रयाग मिशन स्कूल 1869 से लेकर के 1875 तक। उसके बाद के सीएबी स्कूल 1885 में कार्यस्थ पाठशाला, इंटर कॉलेज 1888 में। यह सब उनका क्या थे? विद्यालय में अध्यापन का काम किए थे। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, लेकिन वह उग्र स्वभाव के कारण, मतलब गुस्सैल थे, उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। गुस्सैल थे जिस तरह से उन्हें इस सब नौकरी को छोड़ना पड़ गया था। दूसरा है उन्होंने हिंदी प्रदीप, क्या दिया यहाँ पे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, एक मंथ, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया। कौन पत्रिका? हिंदी प्रदीप। बहुत बार ऑब्जेक्टिव इसको पूछ चुका है। कितना वर्षों तक चलाए? 33 वर्षों तक इसे चलाते रहे। ठीक है। दूसरा इसकी रचनाएं देख लीजिए, पहले उपन्यास को देखेंगे, इसको देखेंगे उपन्यास को, कौन है? 100 अजान 1 सुजान। दूसरा है रहस्य कथा, सब इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी, उचित दक्षिणा, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब उनके क्या थे? उपन्यास थे। किनके? बालकृष्ण भट्ट जी के। दूसरा है उनका नाटक, देखिए कौन कौन सा नाटक लिखा है, पद्मावती, शिशुपाल, दैवंती, स्वयंवर, शिक्षादान, मेघनाद वध, सीता वनवास, चंद्रसेन, पतित पंचम, वृणाला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष, कोरकली, कट्टर, सुन की एक नकल, एक रोगी और एक वैद्य, और सारा भी क्या है यहाँ पे। ये सब उनके क्या थे? नाटक थे। क्या थे? नाटक। आपको बस इतना करना है, जितना चीज आपको लिखा है एक दो बार आप अच्छा से पढ़िए, एक दो बार लिखने की कोशिश कीजिए, आपको कहीं कोई समस्या होने वाला नहीं है। इसी से ऑब्जेक्टिव निकालने का करके आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इसको दो चार बार पढ़िएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा निश्चित क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएगा, देखिएगा इन्हीं से क्वेश्चन निकाल के पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बता रहे हैं आपको। देखिए यहां तक हम पढ़ रहे हैं नाटक तक, आगे देखिए क्या है। आगे क्या है,
एक से रखिए एक से। आगे देख लीजिए निबंध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने निबंध जो लिखा था भट्ट निबंध माला, लगभग 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, 1000 के आसपास मतलब 1000 निबंध लिख चुके हैं। दूसरा बात है मृत्यु उनका जो हुआ था 20 जुलाई 1914 हुआ था। इस प्रकार आप देख लिए बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय, बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या क्या लिखे थे, कौन कौन से उपन्यास, कौन कौन सा नाटक लिखा है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इन चीजों को बारे बारी से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जो थोड़ा सा छूट गया था अब इसको फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के चलिए। ये हो गया, अब हम चलते देखिए यहाँ सारांश भी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इसके सारांश के बारे में। आज से हम ऑब्जेक्टिव पर बातचीत करेंगे, सारा चीज हो चुका है। अब देखिए सब्जेक्टिव है, सारा वीडियो बन चुका है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव पर बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अभी पहले जीवन परिचय पढ़े थे, कौन होगा बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार, कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 ईस्वी को। नहीं आप लोग सिर्फ बोलिएगा याद हो जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, पहले भी पढ़े थे जीवन परिचय में, कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, हम पढ़े थे जस्ट पहले पढ़े हैं, कितना, 1000, कितने लिखे हैं, 1000। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए, पहले इतना का स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए, जितना सभी बताए स्क्रीनशॉट लिख के बता के हम करेंगे। तो बस आपको वीडियो को देखते जाइए, हम जो बोल रहे हैं उनको सुनिए, आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए चार नंबर तो हो चुका था, आप पांच नंबर देखिए, पांच नंबर का है यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी की पढ़ लिए 1000 नंबर लिखे थे। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताए, देखिए बालकृष्ण भट्ट ने जो लिखा है प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। दूसरा है नई रोशनी की 20। तीसरा है आचार विडंबन, यहाँ गलत है, ये हो जाएगा आपका, ये तीनों हो जाएगा आंसर, कौन कौन हो जाएंगे, जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा नई रोशनी का 20, तीसरा है आचार विडंबन, ये तीनों हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट में, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई, मतलब बालकृष्ण भट्ट पहले पढ़ना नहीं चाहता था, उसको उसमें अभिरुचि किसने जगाई, तो उनके माता ने, कौन, माता पार्वती देवी ने, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, किस युग के साहित्यकार थे, कौन युग होगा, भारतेंदु युग होगा। बाकी सभी ऑप्शन आप गौर कर सकते हैं, आंसर सिर्फ बता रहे हैं आपको ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्या होगा, ये भारतेंदु युग होगा। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, भारतेंदु युग के। दूसरा है दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है, दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है, या देखिए क्या हुआ, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, दुर्घट शब्द का ये अर्थ है, ठीक है। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, पहला ऑप्शन है पत्रकार, दूसरा है महाकाव्यकार, तीसरा निबंधकार, चौथा है आलोचनाकार। तो पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे, आपका आंसर क्या होगा, महाकाव्यकार। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, क्या होगा, आधुनिक काल, क्या होगा, आधुनिक काल, ठीक है।
बस आप के स्क्रीन सुन लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। चलिए ये तक सब लोग सीख गए। हम लोग 11 नंबर तक देख लिए थे, अब 12 नंबर देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर आपका क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने जो लिखा है बातचीत को क्या है, एकांकी है, कहानी है, क्या है, क्या होगा ये ललित निबंध है। क्या ये ललित निबंध, ठीक है, आंसर क्या होगा ललित निबंध है। दूसरा कह रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर आप लोग पढ़े थे आगे व्यक्तित्व जीवन में पढ़े थे ना, किसका ये बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। दमयंती स्वयंवर नाटककार का बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, बातचीत करने का तरीका बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली। दूसरा यहाँ पे देखिए साफ साफ नहीं आया है, यहाँ कह रहा है कि अशिक्षित क्या है, अशिक्षित हम बोल देते हैं, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा बतकही, क्या होगा बतकही कहते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वह बातचीत जब करता है उसको क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन कि संवाद क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या होगा आत्मीयता, क्या होगा आत्मीयता, क्या होगा आत्मीयता, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आत्मीयता, ठीक है। ये वीडियो को रुक रुक के आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ नहीं आया है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ तक हम पहले बता देते हैं, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं, अब 17 नंबर देख लीजिए, 17 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना नहीं है। देख लेते ऑप्शन, नूतन ब्रह्मचारी की जो है, सौजन्य सुजन ये भी है, दूसरा सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन आपका है परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा है, तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, क्या उत्तम तरीका, चौथा नंबर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, क्या अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये बातचीत का क्या है उत्तम तरीका है, मतलब स्व से बातचीत करना, ठीक है। दूसरा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आत्मीयता, पहले भी क्वेश्चन आया था ये, क्या है आत्मीयता। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, आप लोग बताइए, इसे बताइए, पीछे बताए थे हम आपको बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, कौन सा निकाला था हिंदी प्रदीप, क्या निकाला था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, जो 33 वर्ष तक लगातार चलाती रही थी, ठीक है, कौन सी पत्रिका थी बाबू हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो ये था आपका बातचीत का ऑब्जेक्टिव का लेखा जोखा, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बस मेरे शब्द को सुनना है, इसी को सुन सुन के आपकी पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं उसने कहा था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, नेक्स्ट हम बताएंगे उसने कहा था, दूसरा चैप्टर है आपका, बताइए आप लोग तो उसने कहा था के रचनाकार कौन है, तो कौन होंगे चंदर शर्मा गुलेरी जी ने, चंदर शर्मा गुलेरी। अब देखिए तो उसने कहा था लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए एक करके आपको बता रहे हैं, लेखक हो गया श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए लेखक का जो जन्म है कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। दूसरा इसका जन्म स्थान कहां था, जयपुर राजस्थान, किसका जन्म स्थान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है। दूसरा है मूल निवास, जो स्थान था मूल निवास कहां है, ग्राम गुलेर जिला कांगड़ा, राज्य का नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ग्राम गुलेर जिला कांगड़ा, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। दूसरा है इनका पिता का जो नाम है पंडित शिवराम, क्या नाम है
पंडित शिवराम किसके पिता जी, चंद्र शर्मा गुले जी के। ठीक है, अब देखिए शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, 1899 में मैट्रिक पास किया था इन्होंने, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट दे इंटर पास किए नहीं, 1903 में इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया था, बीए किया था प्रयागराज विश्वविद्यालय से, क्या किया था, बीए किया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत बार पूछा भी है ये 1800 मतलब पूछा जाएगा आपसे, चंद्र शर्मा गुले जी मैट्रिक पास कब हुए थे, क्या बताना है आपको 1899। दूसरा पूछेगा इंटरमीडिएट कब किए थे, 1901 में किए थे, और उन्होंने बीए कब पास किए थे, 1903 में। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट लिख लिख के आपको याद करना है। दूसरा है इसका कार्य क्षेत्र देख लेते हैं, किसका कार्य क्षेत्र, चंद्र शर्मा गुले जी का, 1904 में मेयो कॉलेज अजमेर में खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह का अभिभावक। दूसरा है 1916 में संस्कृति विभाग के छात्रावास अधीक्षक थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्रचारी थे, मन्नी नंद चंद्र नदी नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे थे, मनी चंद्र नंदी पीठ के क्या थे, ये प्रोफेसर थे। ठीक है, दूसरा है इन्होंने संपादन जो किया, किसका किसका संपादन किया था, समालोचक काशी नगरी प्राचरणी, काशी नगरी प्राचरणी पत्रिका, इनका ये क्या किया थे, संपादन किए थे। ठीक है, चलिए दूसरा है रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं किया थे इन्होंने, सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, कछुआ धर्म आदि, और सारा भी रचना किया इन्होंने, मुख्य रूप से जी क्या है, सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, कछुआ धर्म, अरे उसने कहा तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आदि और भी है। दूसरा है पात्र परिचय, इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पात्र होगा एक बालिका होगा जिसका नाम है सुबेदारनी, बाद में चल करके जिसकी भेंट किशोरावस्था में लाला सिंह से हुई थी तथा बाद में उसका विवाह सुबेदार हजरा सिंह के साथ हुआ था। इन सब को आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे आप लोग कहानी पढ़िएगा। ठीक है, तो ये था चंद्र शर्मा गुलेर जी का जीवन परिचय, आप इनको एक दो बार पढ़िएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव निकलता है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते हैं, बस इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये था इनका जीवन परिचय का लिखा जोखा, आपके एग्जाम नजदीक आ रही है इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि एक एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, सब्जेक्टिव घर में कहानी के माध्यम से पढ़िए, नहीं होता है मेरा वीडियो देखिए, हम धीरे धीरे आपको सारा चीज क्लियर कराते जाएंगे। चलिए तो आगे हम आपको बता रहे हैं बाकी जो दूसरा चीज है, यहाँ पे लाना सिंह जो है कहानी का मुख्य पात्र है, लाना सिंह क्या थे, कहानी का मुख्य पात्र हजारा सिंह सुबेदार कहलाए, सुबेदार ही हजारा सिंह थे, बोधा सिंह हजारा सिंह थे क्या थे, पुत्र थे, और लप्टन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी थे, और बजीरा सिंह क्या थे, एक सैनिक थे। तो इस कहानी में ये सब क्या है, पात्र है, प्रमुख पात्र था लाना सिंह का मुख्य पात्र, दूसरा हजारा सिंह सुबेदार, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था, लप्टन साहब थे सेना का एक उच्च अधिकारी थे, बजीरा सिंह एक सैनिक थे। ये जो था ये कहानी का पात्र था, इस कहानी को आप लोग पढ़िएगा तीसरा पात्र आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है नोट में, उसने कहा था कहानी पांच भागों में बटी हुई, कितनी भागों में बटी हुई है, पांच भागों में, इस पूरी कहानी के तीन भाग में युद्ध का वर्णन है, पूछा ऑब्जेक्टिव में, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, पांच भागों में, तीन भाग में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य है, प्रथम और दूसरे में तो उनका लड़का लड़की में क्या संवाद होता है उनका वर्णन है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ में क्या है युद्ध के दृश्य है। ठीक है, तो ये था उनका जीवन परिचय और कुछ पात्र कहानी के। ठीक है, अब आगे हम आपको देखेंगे, यहाँ पे सारांश है, पीडीएफ बन चुका है, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा हम सब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, क्योंकि क्लास का टेस्ट है इसलिए बच्चों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते हैं, कहानी पढ़ा चुके हैं, बस धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव आपको लिखाते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है कि चंद्र शर्मा गुले जी का जन्म कब हुआ था, आप लोग पहले पढ़े थे नहीं, चंद्र शर्मा गुले जी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को, कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। दूसरा क्वेश्चन है चंद्र शर्मा गुले जी का निधन कब हुआ था, कब हुआ था निधन, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। दूसरा यहाँ पे चंद्र शर्मा गुले जी का जन्म कहाँ हुआ था,
तो चंद्रशर्मा गुलेल का जन्म कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। दूसरा है चंद्रशर्मा गुलेल का मूल निवास स्थल कहां है? चंद्रशर्मा गुलेल का मूल निवास स्थल कहां है? गुलेल गांव का नाम क्या था? गुलेल जिला कहां था? कांगड़ा। और स्टेट जो था उनका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चंद्रशर्मा गुलेल जी का मूल निवास स्थल कहां था? ग्राम गुलेल जिला कांगड़ा और राज्य था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, दूसरा है गुलेल जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं, तो कौन कौन था? सुखमय जीवन ये भी था, बुद्ध का काटा ये भी था, उसने कहा था ही तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी उनका है, इसका मतलब ये तीनों था, इसलिए क्या हो जाएगा ये उपयुक्त तीनों हो जाएंगे। दूसरा है गुलेल जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो समालोचक, काशी नगरी, प्राचरणी। हम लोग देखे थे जीवन परिचय में, लेखक जीवन परिचय देखे थे ना, समालोचक, काशी नगरी, प्राचरणी पत्रिका का क्या किया थे उन्होंने? संपादन किए थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको मुख्य रूप से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको बता के बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, सात नंबर देखिए आप लोग, यहां कह रहा है गुलेल जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। जो निबंध उन्होंने लिखे थे कौन कौन था? कछुआ धर्म, देखिए जीवन परिचय में बताए थे, बिंगल, संस्कृत की टिपरारी, नहीं माने से कोई उठाओ, पुरानी हिंदी, देवानाम, प्रिय, ये सब क्या थे इसके प्रमुख निबंध थे, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ऑप्शन है आपका दिव्य प्रेम कहानी है, सही बात है। दूसरा है युद्ध कहानी है, ये भी सही है। तीसरा है प्रेम पर बलिदान की कहानी है, ये भी सही है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे सारा चीज विवरण मिलेगा। तीसरे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। ये दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। दूसरा क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? जब आप लोग कहानी पढ़े होंगे लड़का लड़की जो संवाद होता है वो क्या कहता है? यही कहता है तेरी कुड़मुड़ाई हो गई क्या? कुड़मुड़ाई मतलब मंगनी, जिसको सगाई आप लोग बोलते नहीं, तेरी कुड़मुड़ाई हो गई क्या? ये लड़का उस लड़की से मतलब कहता है, जैसे वो लड़का कहता है लड़की आंखें चढ़ा करके धर करके मुस्कुरा करके चली जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तेरी कुड़मुड़ाई हो गई। दस नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? ये बताइए आपको क्या कहकर भागती है? धत कहकर के वो भाग जाती है। दूसरा है क्वेश्चन किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और आप घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। जब सुबेदार सिंह लाला सिंह ने, वह सुबेदार ने एक वचन देता है कि इस युद्ध में मेरा बेटा, मेरा पति तुम्हारे साथ जा रहा है, तुमने मुझे पहले भी वो बहुत बड़ी घटनाओं से बचाया, मतलब बचाए थे, इसलिए इस बड़े युद्ध में युद्ध करने के लिए मेरा बेटा और मेरा पति जा रहा है, तुम हमारे बेटे और पति का रक्षा करना। वह सुबेदार ने लाना सिंह से यह वचन मांगती है, लाना सिंह ने वचन देता है कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम आपके बेटे और पति की रक्षा जरूर करेंगे, तो उन्होंने उसका रक्षा कर देता है। उसी उपलक्ष्य में यह बातें कहता है कौन? लाना सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाना सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आप बता रहे हैं आपको आप देखिए आपका छावड़ी वाले शब्द का क्या अर्थ है? जब लड़का उस लड़की से पूछता है तेरी सगाई हो गई क्या, तेरी कुड़मुड़ाई हो गई क्या, लड़की जब उसके विरुद्ध उत्तर देती है तब लड़का उसे प्रेम करता था, इस तरह से उसे एक एहसास हो जाता है, लगता है उसके मानो उसके ऊपर कोई वज्रपात हो गया, वो गुस्सा जाता है, जो भी रास्ते में आता है उसे ढकेलता हुआ घर पहुंचता है, तो छावड़ी वाले का छावड़ी गिरा देता है, तो छावड़ी वाले मतलब क्या हुआ? गाड़ी वाले। ठीक है, दूसरा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, कब इसकी रचना हुआ था? 1915 में हुआ था। दूसरा है उसने कहा था कहानी में किस साल का चित्रण है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलेगा किस साल का चित्रण है, अमृतसर का, अमृतसर। ठीक है, जर्मन फल्टन को किसने मार गिराया?
किसने मारा था? लाना सिंह ने। दूसरा है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। क्या नाम है? मांझे। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? क्या नंबर था? 77 नंबर था, नहीं 77। दूसरा है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता दें हम। चलो हो गया, आगे चलते हैं। 18 नंबर देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा अब देखिए, यहाँ कह रहा लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? बजीरा सिंह के गोद में हुई, ठीक है। दूसरा है, सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह नाम था, ठीक है। सरकार ने सुबेदार को जमीन कहाँ दी? लायनपुर में। कहाँ दिया? लायनपुर में। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। दूसरा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। कब प्रकाशित हुई? 1915 में। नेक्स्ट है आपका, लाना सिंह किस पद पर था बताइए आप लोग? जमादार के पद पर था, नहीं जमादार के पद पर था। चलिए अब आगे बता रहे हैं, अब 24-25 लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। गुलेरी जी की किस गांव के मूल निवासी थे? कहां के थे? गुलेर के थे। कहां के थे? गुलेर के, ठीक है। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, कुड़मुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़मुड़ाई मतलब क्या होता है? मंगनी, नहीं। चलिए ये मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, दो अध्याय का, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम आपको दो अध्याय करके बताते जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ते रहे, मैं आपको इस प्रकार वीडियो बनाते रहेंगे। और आपके सिलेबस को देख के ही क्वेश्चन डाला जाता है, इसको यदि पढ़िएगा हमें उम्मीद है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।